दोस्तों ये एक थॉमसन एलईडी टीवी का रिमोट है। और दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, एक तो जैसे ये वाला बटन काम नहीं कर रहा, इसका ओके का बटन नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, और प्लस माइनस भी वॉल्यूम के बटन नहीं काम कर रहे, बाकी काम कर रहे हैं दोस्तों इसके। और वैसे हम इस पर ऐसा इस पर चेक कर लेते हैं, इस पर भी ये देखिए दोस्तों ये काम कर रहा है, ये जो साउंड का है साउंड का बटन नहीं काम कर रहा, ये भी काम कर रहा है, इधर जो एरो के भी बटन काम करे, लेकिन जो बीच वाला ओके वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा दोस्तों, ये ओके वाला। और एक इसका वॉल्यूम का प्लस माइनस दोनों में से कोई से काम नहीं कर रहा, एक ये सोनी टी वी सोनी लाइव का इसका काम नहीं कर रहा, बाकी और सारे काम कर रहे हैं दोस्तों, और सारे काम कर रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच बटन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और इसको कसके दबाने पर भी काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर कसके दबाने पे भी काम नहीं करें तो ये इसका सफाई से नहीं होगा, क्योंकि ये बटन की दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें हार्डवेयर की दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों इसको एक चेक करने का तरीका, जैसे आपके पास ये नहीं है ना, इससे चेक कर सकते हैं, तो इसमें एक लाइट भी जलती है दोस्तों, जैसे हम ये वाला बटन दबाएंगे तो ये लाइट जलगी, और जैसे कि हमारा ये बटन काम करे तो ये लाइट जलगी, जोन सा भी आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जलती है, ये जलगी, और जैसे हम ये ओके वाला बटन दबा रहे हैं, ये ओके वाला इसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये बटन नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा, और ये माइनस प्लस वॉल्यूम का। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों पहले इसके आप सेल निकाल लें। और दोस्तों एक बात और है कि अगर आपके पास एलसीडी का रिमोट है उसमें सबसे अच्छे डूरा सेल बहुत अच्छे चलते हैं, जब भी आप चलाएँ तो डूरा सेल चलाएँ, नॉर्मल सेल से ये अच्छे चलते हैं। और दोस्तों उसको खोलने के लिए आपको दो दो तीन चार दो तीन छः छः पेज हैं दोस्तों, ये खोलने पड़ेंगे आपको। चलो दोस्तों इनके बटन खोल वो खोलते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, एक एमकेएस रिपेयरिंग ज्ञान, एक एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं दोनों चैनल पर ही लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने बटन इसके सारे पेज खोल दिए, दोस्तों अब इसको खोलते हैं क्योंकि पेज खोलने के बाद भी इसमें लॉक रहते हैं। तो थोड़ा आराम आराम से इसको लॉक खोल लें, क्योंकि इसके अंदर पेज खोलने के बाद आपको लॉक मिलेंगे। ये जो चोंच है थोड़ी सी आप इतनी अंदर लगाएं, थोड़े अंदर कुछ ज़्यादा कर देंगे तो अंदर का सर्किट भी ब्रेक हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी इतनी। इसको थोड़ा सा इसलिए थोड़ा ज़्यादा अंदर आप नहीं करेंगे, जैसे आप थोड़ा अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट लग रहे हैं तो कोई सा ब्रेक हो सकता है, उसके बाद फिर वो ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों इसको खोलने के बाद और इसके अंदर दोस्तों फिर ये दो दो दिन चार दो तीन छः दो चौक आठ एक नौ, और दोस्तों ये नौ पेज दे रखे हैं आपको, ये नौ पेज भी खोलने पड़ेंगे तभी आपको पी सी वी पूरी बाहर आएगी। दोस्तों अगर यही चीज़ रिमोट लोकल होता तो उसमें इस तरह के इतने सारे पेज नहीं होते दोस्तों, ये कंपनी का ओरिजिनल रिमोट है तो इसलिए, ये थॉमसन का और कोडेक का शायद एक ही रिमोट होता है, एक से ही काम हो जाता है, कोडेक टीवी और थॉमसन टीवी। दोस्तों ये पेज आप एक तरफ कर लें क्योंकि इनके बहुत छोटे साइज हैं, फिर अगर दूसरा कोई लगाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसके जो पैड है, पैड में केवल इसको वैसे साफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं होता, इसके बटन यहाँ पे फिक्स होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये माइक है जिससे हम बोलते हैं, इसकी वजह से ये मट्टी वगैरह साफ कर सकते हैं दोस्तों। इस पर थोड़ी चिपकन सी हो रही है, वैसे तो ये बटन अंदर है, बटन से इससे कोई मतलब नहीं, वैसे ऊपर अगर आप साफ करेंगे तो इसका वैसे अंदर से ऊपर से टेप लगी इसका कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप किसी भी इसको ऊपर किसी लिक्विड से साफ कर लें, साफ इसलिए के लिए थोड़ी सी में चिपकन है
क्योंकि ये बटन फिक्स है, ऊपर टेप लगी हुई, तो अंदर के अगर कोई एक दो बटन नहीं काम कर रहा है तो आपको उसको इसको उखाड़ के साफ करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें इस चीज़ की शायद दिक्कत नहीं है, पीछे से हमें कोई मॉइस्चर वगैरह होगा उससे साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों इसको लिक्विड से पूरा वाश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बटन नहीं काम कर रहे तो आईसी पे कुछ मॉइस्चर जो होता है सर्किट कुछ ब्रेक हो जाता है। दोस्तों पूरा लिक्विड डालने के बाद आपको इसको है ना थोड़ा सा वाश करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कई बार ये होता है कुछ मॉइस्चर वगैरह आ जाता है जिससे कुछ करंट आगे कुछ बटन पर पहुँचता नहीं है। दोस्तों पहले हम इसको वाश कर लेंगे, और ये थोड़ी सी आती जो दोस्तों दिक्कत है ये गिरने से आती है, जो रिमोट गिरता है ना उससे आती है। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा लिक्विड से साफ करने के बाद हल्का हल्का सुखा दें, आपके पास कोई ड्रायर वगैरह हो तो उससे भी हल्की हल्की हीट पे सुखाएं, ज़्यादा हीट नहीं हो और हवा भी थोड़ी कम नहीं हो ज़्यादा की। दोस्तों इसको थोड़ा सा वो ठंडा होने दें, अगर हल्का सा गर्म हो गया तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। दोस्तों एक बार इसको यहाँ पे टच करके चला के देखते हैं। दोस्तों इसको सेल लगाने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इस पर जो बटन था ये ओके वाला काम नहीं कर रहा था। दोस्तों ये काम करने लग गया, एक हमारा वॉल्यूम का भी नहीं काम कर रहा था। दोस्तों ये दोस्तों काम करने लगा, एक बार हमें फिट करने के बाद तभी पता लगेगा, क्योंकि दोस्तों इससे टच होके चलता है ना तो ये हिल जाता है। एक बार हम प्रॉपर बंद कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस पे भी मिट्टी वगैरह हो तो इस पे भी साफ कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मिट्टी वगैरह हो तो आप उसको भी साफ कर ले, क्योंकि मिट्टी जो होगी तो फिर ये बटन वगैरह फंसने लग जाते हैं। दोस्तों अब इसको बंद करते हैं, हमने इसकी पैड लगा ली है। अब पैड लगाने के बाद आप इसको पीसीबी को बिल्कुल सेट बिठा दें, और वैसे कंपनी की जो चीज़ होती है बहुत जल्दी सेट बैठ जाती है, इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर आपको एक बार ये भी देख ले कर्सर वगैरह, हमारी पैड वगैरह पूरी सेट है नहीं है इस तरह पूरी, देखो पूरी ठीक, क्योंकि ये बीच वाला जो गोला है इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और इसको भी आप एक बार ठीक है, क्योंकि ये दबा के देख लो इधर के बटन भी, एक दो पेच लगा के तब लगा के देख लो आप, इससे क्या होगा ये पीछे की पीसी भी गिरेगी नहीं। और दोस्तों पेच इसी के थोड़े से जब खोलो तो अब रखें, क्योंकि बहुत छोटे पेच हैं, और पेच अगर सारे लगेंगे तभी इसकी ग्रिप अच्छी बनती है। और दोस्तों जब वीडियो देखो तो पूरी देखो, क्योंकि स्किप करके आप देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अब हमने चार पेच लगा लिए फिलहाल, और एक बार आप इसको ऐसे देखो,
ये आपको कट की आवाज़ हर बटन में आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपकी ये ना पीसीबी सही है, कट की जिसमें आवाज़ आ रही है। तो इसलिए पूरे पेज कसने से पहले पूरा चेक भी कर लो। अब दोस्तों बाकी पेज लगा लो। दोस्तों ये देखो हमने सारे पेज कस लिए, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 9 पेज हैं इसके अंदर, 9 के 9 आपने कस लिए पूरे। कसने के बाद दोस्तों अब इसको एक बार या तो हाफ बंद करके देख लें, सेल लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार चेक भी करना है दोस्तों। हाफ में चले, इसको थोड़ा सा पेच लगाने पड़ेंगे दोस्तों, पेच के बिना वो टच नहीं होंगी ना सेल की पत्ती, तो इसलिए दोस्तों उसके पेच लगाने पड़ेंगे दोस्तों। ये ऑन ऑफ का बटन भी थोड़ा सा दिक्कत करता था, काफ़ी दिक्कत कर रहा था, लेकिन ये बैक वाला भी दिक्कत कर रहा है, और ये बटन तो बिल्कुल काम करते रहे सोनी का, प्लस ये दोस्तों अब ये सारे बटन काम करने लगे हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसा थॉमसन का टीवी का एलसीडी का रिमोट है तो आप इसी तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं, और वैसे कोडेक का भी शायद सेम ही होता है, कोडेक और थॉमसन शायद सेम ही है क्योंकि एक ही कंपनी बनाती है इसको। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कि MKS रिपेयरिंग यानी कि MKS फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिस मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।